हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपलिशियस ब्लॉग्स। और बहुत अरसे बाद वेलकम बैक, क्योंकि हमने तो ब्लॉग बनाने नहीं होते। और जैरन ने हर कुछ कितने महीने बाद, 2 महीने बाद ये वाला डायलॉग मारना होता कि अब मैं डेली बनाऊंगी तो मैंने बोलूंगा क्या हो? मैं भी कहने लगी थी कि आप ऐसे अपने स्टाइल ही नहीं बन रहा, पता नहीं क्या है। वो आजकल मौसम ऐसा है ना, बट तो जरा बाल रफ रहते हैं पानी की वजह से, हम पता नहीं अजीब ही हाल हो जाता है। तो चले, हम अब कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अपने काम जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे? जी चाह रहा था शुआरमा खाने का, फिर मैं सोचा हम बाहर से क्यों मतलब लेना, हम घर में बनाते हैं। तो आज हम अचानक से ख्याल आया, पहले यही डन हो रहा था कि हम कहीं बाहर चलते हैं और बाहर से शुआरमा खाते हैं। तो आज हम घर बनाएंगे लेडीज शुआरमा रेसिपी भी बताएंगे। और चलते अभी हम बाजार जा रहे हैं थोड़ी सी चीजें लेने, फिर हम आते हैं और आके सारा देखते हैं कि क्या सीन है। ये देखिए मेरी एलोवेरा, और यहाँ पे जहाज भी है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो जहाज ही कहते होते थे। बरसात में ये बड़े हो जाते हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना। मेरे गार्डन का व्यू है आज का, ये मेरे गार्डन का व्यू है आजकल। अभी अभी माली साहब हो गए हैं तो ये जरा साफ सुथरा, सारे फ्लावर्स आज का निकले हैं। ये बेचारा गर्मी से मुरझा आ ही गया। चलो चलते हैं बाहर। सारे ना, तो हम घर आ गए। हम नहीं, सिर्फ भी मैं आई हूँ, चीज़ें वगैरह छोड़ गए। वो कार एक दो चीज़ें वो मिली नहीं थी, तो वो कार सब जरा और जगह गए हैं पता करने। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अब क्या करते हैं हमारे साथ रहना। हम लेके आए हैं एप्पल्स, सब्जियाँ सलाद वाली, इसके अलावा मैंगोज, अभी हम ये शॉपिंग ये वाली घर की फ्रूट शॉपिंग और वेजिटेबल शॉपिंग कर गए हैं। ऑनलाइन चिकन लिया मैंने अपने हिसाब से दाल से लिया, क्योंकि हम दो लोग थे तो हम इतना ही बहुत है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून भर भर के दही डाला। अब मैं इसमें डालूंगी 3 लहसुन के जवे अच्छे से पिए छुरी के साथ ब्लीक करके। फिर एक तो मैंने इस तरह ब्लीक चॉप करके डाल दिया। अब मेरे उसमें तिक्का बॉडी मसाला, क्योंकि हमने थोड़े से स्पाइसी बनाए हैं। ये मैंने इसमें 1 टेबलस्पून तिक्का बॉडी मसाला डाला। अब मैं इसमें 1 टीस्पून दादरी मिर्ची डाल देंगे। नमक नहीं अभी हम डाल रहे, नमक जब हम इसको कुक करेंगे हमें फील होगा तो हम इसमें नमक अंदाजे से डाल देंगे, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। अब हम इसमें बड़ी बड़ी डालेंगे सॉसेस। ये हम डालेंगे सिरका 1 टेबलस्पून, रेड चिली भी 1 टेबलस्पून, और सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे, और फिर जब हम इसको कुक करेंगे मैं आपको फिर दिखाऊंगी। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। अब इसको मैं 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए, तब तक हम सब्जियां काटते हैं जी। तो ये हमने 3 सब्जियां ली हैं, आप चाहें तो टमाटर भी ले सकते हैं, प्याज भी ले सकते हैं। मेरे लिए, मुझे लगता है हमारे लिए 3 काफ़ी हैं। तो मैं इनको कट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह कट करना। इस तरह लंबी लंबी काटनी है, मैं इस तरह लंबी लंबी काट सकते हैं। कुछ लोग क्यूब से भी काटते हैं, कुछ बिल्कुल कद्दूकस काटते हैं। मैं इस तरह लंबी लंबी काटूंगी ताकि ये ज़रा जल्दी जल्दी मतलब फिलिंग हो जाती है, और ये मतलब सही रहती है स्वादने के लिहाज से ना, तो सही है। तो इस तरह हम सारी गाजरें कट करने की जितनी हमें चाहिए।
ये तीनों वेजिटेबल्स मैंने एक ही बाउल में रख ली थी, आप चाहे तो इनको अलग अलग प्यालियों में रख के भी मतलब सिरका और डाल सकते हैं। मैंने एक में इसलिए रख लिया कि हमने तो तीनों ही डालनी है, कोई किसी किसी की चॉइस होती है कि कोई सब्जी पसंद करता है कोई नहीं, तो मैंने तीनों को एक में डाल के सिरके के 4-5 टेबल स्पून डाल दिए। फिर इसमें मैंने डालना हल्का सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और थोड़ी सी काली मिर्च। मैरिनेट किए आधा घंटा गुजर गया, हिरमो ज़्यादा ही टाइम हो गया। अब हम फ्राई पैन में या किसी भी नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, मतलब मैं सारा चिकन का मिक्सचर सारा उसका मसाला इसमें डाल दिया। अब उसको हम कुक करेंगे अच्छे से कि फूल ड्राई हो जाए। मैंने मैरिनेशन के दौरान नमक नहीं था डाला, मुझे था कि सारे मसाले में होगा, तो जब मैंने यहाँ पर टेस्ट किया तो मुझे नमक कम लगा, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, नमक बिल्कुल ठीक है। अब हम असेंबलिंग करते हैं शुरुआत में। क्या क्या बना रही हैं? ये क्या डाल रही हैं? ये जिसकी आप इंतहा से ज्यादा फैन है, जो आप उंगलियों से खाते हैं। देखो स्पीड में अपना आ रही है, दो कट्ठे में करूँ। वाओ, वैसे आपको तो मैंने सरप्राइज देना था लेकिन ये कैसा सरप्राइज है कि अगर मैं चीजें तो मैं लाग ही ना देता तो सरप्राइज स्टार्ट ही नहीं होना था। वो तो मैं भूल गई। जी तो यहाँ पे बारी आई है असेंबलिंग करने की। मैंने सबसे पहले बीटा ब्रेड को तवे पे हल्का सा ब्राउन कर लिया प्रेस कर करके, और फिर उसके बाद मैंने इस पे केचप और मेयोनीज लगाई, फिर मैंने सैलेड की दोनों पे एक साथ लेयर लगाई, फिर उसके बाद मैंने चिकन की लेयर लगाई। अब अपनी मर्जी, आप सैलेड ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, कम पसंद के कम डाल लें, हम ज़रा सैलेड के शौकीन हैं तो मैंने ज़रा ज़्यादा ही डाला था। तो फटाफट से चिकन रखें कि जितना आपको पसंद है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना आप बड़ा शवारमा रैप करके खा सकते हो। जी तो यहाँ पे हमारे शवारमे हो गए थे रेडी। अब इसको मैंने दूसरी प्लेट में रखा डिश आउट किया, अभी आपके सामने फाइनल आएगी लुक। जनाब तो ये हमारे शवारमे रेडी, अभी वकास टेस्ट करेंगे और बताएंगे, रिव्यू देंगे कि कैसे बने हैं। जल्दी जल्दी आ जाएं। अच्छा आप इस तरह खाएंगे? मैंने कहा था ना मैंने रोल नहीं करना, मैंने ओपन खाना। तो बोला मुझे पहले बता दे, मैं फिर अलग अलग रखती हूँ। चलो टेस्ट करें। मैं तो शाम से ही कर। अच्छा टेस्ट करें और रिव्यू दें। बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है। पास हो गए? ठीक है। तो बनाने इन्हों थे और बनाए मैंने 10/10। इसके बाद मैं इनसे गिफ्ट भी लूंगी। ठीक है ठीक है। तो शवारमा मैंने भी खा लिया, मेरे मियाँ ने फीडबैक भी दे दिया, और मजे की बात वो उनका अभी भी चौथा शवारमा था, उनको इससे पसंद आया। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। कैसे लगे? तुमने मेरे खाने से नहीं देखा कि मुझे कैसे लगे जब मैंने चौथा खा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए, तो खाए आप। वैसे ये लास्ट है, इसके अलावा और बात भी दे सकता। सही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे। कहीं से लगा, कहीं से लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया होगा। नमक मिर्च चिकन एवरीथिंग सब फिट। शवारमा खा के दिल चाह रहा है तो मैं एक दुकान खोल। वाह। साथ मेरी कोल्ड ड्रिंक, ठंडी ठंडी। कैसा लगा आपको मेरे हाथ का टेस्ट? मैंने बनाया सारा कुछ, मैंने किया मैरिनेशन से लेकर अंडा, आपने सारा देखा ही है कि सारा कुछ मैंने किया, इनको मैंने सारा दिखाया। तो मशवरे तो साथ मैंने दिए ना, कोई मशवरा नहीं दिया। अब आप लोगों ने भी ट्राई करने हैं। मैंने तुम्हें वो मशवरा दिया था ना कि बीच में नमक नहीं डाला, मैंने डाला था। अब आप लोग भी जरूर ट्राई करना और फिर बताना कि कैसे लगी हमारे शवारमे में आपको। इसके अलावा काफी टाइम बाद ये ब्लॉग अपलोड होगा रेसिपी वाला, जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा होगा, है ना? और अगर आप लोग ना बना सके तो हमारे वाला देख के बस बता देना कि कैसे लगे आपको, और आपने बताना किस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और उसको आगे शेयर करके। अब मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप भी अल्लाह कर दो। अल्लाह हाफिज। बाय। अल्लाह हाफिज। बाय।
आपको मैं दिखा ही नहीं रही, आपको दिखा ही नहीं रही। ओके फिर मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पहले पीछे से कैमरे में देख के लगे थे अल्लाह हाफिज़ अब साथ ही मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।